कॉन्सेप्ट को समझ रहा हूँ, हालांकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी आपने, और ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का काम काम भी है, अभी आम आदमी के लिए इतना ज्यादा ये समझ पाना। इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एकदम बच्चों का खेल है। ये देखिए, भारत में जो लोग बाग जो कुछ कहते हैं कि साहब जो है अभी ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, 6 महीने में आपके हर गांव में हर जगह ऑप्टिकल फाइबर होगा और सब जगह आपकी वो होगी। नंबर 1। नंबर टू जो है, हम और आप अपने विभिन्न कारणों से हम और आप जो है डिजिटल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाथ ठेले वाला जो है अपने यहाँ सामने QR कोड लगाए हुए है। आज तो जो है मजदूर कहने लगा है कि साहब हमें जो है ना फोन पे पे पेमेंट दे दीजिए। तो यदि आप पहले से घोषित कर देंगे कि साहब 1 जनवरी 2025 से पेपर करेंसी जो है ना मुक्त भारत होने वाला है, तो आप जो है जो इनेबलिंग वाली प्रोसेस है वो उसको और फास्ट कर देंगे। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास जो है स्मार्टफोन नहीं होगा। तो स्मार्टफोन होना, आधार कार्ड होना, ये वो पढ़ा अनपढ़ कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। और भारत में कोई क्राइम नहीं होगा, और साइबर क्राइम तो हो ही नहीं सकता है। साइबर क्राइम, मैथिली सरनगुप्त को जो है ना 3 महीने का मौका दे दिया जाए, साइबर क्राइम जो है ना करना किसी की औकात नहीं होगी। यहाँ हम हमेशा बात औकात की करते हैं, मतलब वी कैन चैलेंज यू, आपकी औकात नहीं है कि आप साइबर क्राइम कर दें। आज साइबर क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इकोसिस्टम नहीं बनाया है, क्योंकि हमने इनेबलिंग माहौल नहीं बनाया है। यदि एक किसी को क्वेश्चन, हम एक हाँ छोटा प्रश्न सर, जी छोटा सा प्रश्न एक मेरा था, एक क्यूरियोसिटी थी। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सहज एक आम आदमी को के लिए बहुत, मतलब उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा, जैसे मेरे लेवल में बात करूंगा, भाई अभी हम आपको स्वर्ग में भेज देंगे, ठीक बात है, यू आर, आपने उसको डेवलप किया है, आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली एकदम नीट एंड क्लीन होगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, मैं भी निश्चित रूप से प्रभावित हूँ। मगर मेरा ये सोचना था सर कि एकदम से किसी आदमी को 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंतर्गत हम ऐसे कमिटमेंट, ऐसी बातें जो हम लोग सुन रहे हैं, या हो, ये संभव भी है, टेक्नोलॉजी में कहीं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये संभव है, ठीक बात है। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा था आपसे कि क्या हम ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट दिखा के गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं ले सकते, कम से कम ये साइबर क्राइम। एक बात आपको मैं बता दूं, क्राइम फ्री भारत मिशन 2017 में कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट को भेजा गया था। आज के दिन जो है 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, और 2019 के बाद से मैं ही इसका प्रोजेक्ट हेड हूँ। मुझे 2021 में ये बात समझ में आ गई कि जो राजनेता स्वयं अपराधी हैं और अपराधियों को ही टिकट देते हैं, ये कभी भी अपराध मुक्त भारत को जमीन पर उतरने ही नहीं देंगे। तब जो है हमने मॉडल बनाया सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करने का। अब मैं दूसरी पब्लिक से बात कर रहा हूं, आज आपको रोज जूते लग रहे हैं, आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे हुए हैं, ये लोग जो आपको मूर्ख बना रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं, निकम्मा बना रहे हैं, संविधान की जो है दिशा निर्देशों के बावजूद उन्होंने गली गली कूचे कूचे में जो है शराब भेज दी है, ड्रग आ गई है, जबकि आपके संविधान के आर्टिकल 47 में लिखा है कि सरकार जो है लिकर को और ड्रग्स को प्रतिबंधित करेगी। तो ये तो इतने दुष्ट लोग हैं। हम आम जनता से ये पूछ रहे हैं कि यदि हमारा सोच, चिंतन और डिटर्मिनेशन है, तो इन दुष्ट राजनेताओं से तो हम बेहतर ही करेंगे ना। ये बात तो आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, इनके तो सोच और चिंतन का विषय नहीं है। तो यदि हमारा जो परफॉर्मेंस रहेगा इनसे तो बेहतर होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारी डिपेंडेंसी चंद्रगुप्त के ऊपर नहीं है। चंद्रगुप्त केवल जो है सिस्टम ने क्रिएट किए हैं इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अदरवाइज इसकी पूरी जान जो है वो चाणक्य के ऊपर है, और चाणक्य की फौज है। ये बच्चों का खेल है। मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई है 2020 में,
मेरी 53 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट से एमओयू है जिसके तहत हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है। आपने आपको एक ऐसा अनूठा पुलिस ऑफिसर नहीं मिला होगा जो ये सब धंधे करके बैठा हुआ है। मैं जो है मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ, कश्मीर जैसे माहौल में हमने वहां टेक्नोलॉजी डेवलप करके टेररिस्ट का सफाया किया है। तो ये मैथिली शरण गुप्त एक अलग मिट्टी के बने हुए व्यक्ति हैं, इन्हें इन्हें बाबा जय गुरुदेव ने पकाया है। उस समय मैं बात नहीं समझ रहा था कि यह मेरे साथ इतने खेल क्यों हो रहे हैं, अब मुझे कोई भ्रम नहीं है, मुझे पकाया जा रहा था, मुझे इस ऐसी भट्टी में पकाया गया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं भोलानाथ जी एक छोटी सी बात कह रहा हूं, यहां आप में रोज जूते लग रहे हैं, आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, आपके ऊपर लाटसाबी व्यवस्था थोपी हुई है, ये लोग दुष्टता कर रहे हैं, ये जो है चपरासी को जो है ना साक्षर और साचरित्र होना चाहिए, ये दुष्ट राजनेता बाहुबली अपराधी और इन्हीं को फेवर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी संशोधन नहीं कर रहे हैं, ये इतनी घटिया मिट्टी के लोग हैं। 2004 के बाद किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को जो है ना पेंशन नहीं मिलेगी 40-42 साल की नौकरी के बाद, और ये दुष्ट लोग जो है एक दिन की शपथ लेने के बाद जो है ना पेंशन ले रहे हैं, और जितनी बार ये रिलेक्ट हो रहे हैं उतनी बार की पेंशन ले रहे हैं, आज जो है ना 6-6, 7-7, 8-8 बार जो पेंशन ले रहे हैं, ये इतनी मोटी खाल के लोग हैं, ये आपके स्वास्थ्य के साथ जो है ना घपला कर रहे हैं। कोरोना कोरोना इज ए वायरस, इट कैन नॉट बी किल्ड विद द जो है ना एंटीबायोटिक। फिर डब्ल्यू एच ओ ने और बाकी लोगों ने खतरनाक आपको एंटीबायोटिक क्यों दिए? आपकी वैक्सीन के कारण आज लोग मर रहे हैं, जब इसकी जो है ना कंपनसेशन की प्ली जो है ना कोर्ट में लग रही है तो निर्लज्जतापूर्वक भारत सरकार ये कह रही है कि साहब मेरा कोई कंपल्सन नहीं था, मेरा कोई वो नहीं था। अरे कैसे नहीं था? आप जो है ना हवाई यात्रा नहीं कर सकते थे, आप रेल यात्रा नहीं कर सकते थे, आप जो है ना किसी जो है ना शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकते थे जब तक आप अपना जो है ना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ना दिखा दें। कौन कह रहा है कि नहीं है? तो इन्होंने तो निर्लज्जता की जो है ना ठेका लेके रखा हुआ है। अब बताइए, आपके पीएम केयर फंड में सभी लोगों ने पैसा दिया है, जब आरटीआई में पूछा गया कितना पैसा आया है और किस काम के लिए खर्च हुआ है, तो ये निर्लज्जता पूर्वक जवाब दे रहे हैं कि साहब ये निजी फंड है। कितनी मोटी खाल करेंगे? नहीं, कितनी मोटी खाल करेंगे? और मैं विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि आप जो है हर चीज पकी पकाई क्यों चाहते हैं? जब आपके अंदर शक्ति होगी तो 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में क्यों कर पाया था? क्योंकि मैं उसमें डीजी था, डीजी पुलिस रिफॉर्म के बतौर हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की थी। जब मैथिली शरण गुप्त सत्ता में होंगे तो पूरे साइंटिस्ट उस काम में लग जाएंगे, ये काम 3 महीने के अंदर गैप्स पूरे हो जाएंगे। तो आपको जो है पकी पकाई चीज कैसे मिल सकती है? अभी तो पकाना है उसे, तो पकाने के लिए जो शक्ति चाहिए कम से कम हमारी सोच और चिंतन में आपको परिवर्तित भारत देना तो है। इन दुष्ट राजनेताओं के तो चिंतन में ऐसा भारत देना है ही नहीं, वो तो आपको जो है मानव के शरीर में कीड़ा मकूड़ा बना रहे हैं। मानव एक मिनट, मानव शरीर के दो मुख बहुत महत्वपूर्ण वो हैं, एक है आत्मसम्मान और दूसरा श्रम। ये आपको जो है फ्री भी बांट के आपका आत्मसम्मान तोड़ दे रहे हैं और आपको जो है मानव शरीर में कीड़ा मकूड़ा बना दे रहे हैं। क्या दुष्टता है! और हम लोग जो है ना चाहते कि इसका क्या मॉडल है, यहाँ क्या है। अरे भाई क्यों मॉडल चाहिए आपको? अरे हमारा सोच और चिंतन में है तो जब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है कि इतनी सारी चीजें जो है ना हम करके निकल के आए हैं, इसको कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और इसके लिए हमें चंद्रगुप्तों पर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। चंद्रगुप्त क्राइम फ्री भारत से बंधे हुए हैं, चंद्रगुप्त 21 लक्ष्यों से बंधे हुए हैं। वो जो है ना 1000 लोगों को जोड़ेंगे, 2000 लोगों को जोड़ेंगे और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और वो जीतेंगे कितने मार्जिन से? 3 लाख के मार्जिन से। तो मैं कह रहा हूँ चंद्रगुप्त अपनी औकात पर नहीं जीत रहा है, चंद्रगुप्त जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन की और 21 लक्ष्यों की औकात पर जो है ना जीत रहा है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे चंद्रगुप्त उस समय था, वो सम्राट था लेकिन एक विवश सम्राट था, वो दो चीज़ों से बना हुआ था, अपने चाणक्य से और अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से। हमारा चंद्रगुप्त भी लाचार चंद्रगुप्त है जो अपराध मुक्त भारत मिशन से और उसके 21 लक्ष्यों से बना हुआ है, उसका इससे हटके कोई अस्तित्व नहीं है। वो आज का जो है ना लॉर्ड नहीं है जो इल्लीगल काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा वो।
अब भोलानाथ जी आप आगे पूछें।